वसुदेव कुटुंबकम संस्कृत का वो शब्द जिसका अर्थ है कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार है। ये मायने नहीं रखता कि आप कौन से धर्म से हो, कौन सी जाति से हो, किस देश से आते हो, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का, जो कि एक बहुत बड़ी फैमिली है, उसका एक हिस्सा हो, उसका एक पार्ट हो। तो आज इसी को एक्सपीरियंस करने मैं आया था म्यूनिक, जहाँ पे हो रही थी जगन्नाथ रथ यात्रा। तो अगर आप जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में नहीं जानते हो, तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो कि इंडिया के उड़ीसा स्टेट में मनाया जाता है। सो बेसिकली इस रथ में सवार होते हैं जगन्नाथ, जो कि भगवान विष्णु का रूप है, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्र। सो सामने आप माता जी को देख सकते हो, जो कि इस्कॉन म्यूनिक की बहुत पुरानी मेंबर है, कैसे श्रृंगार कर रही हैं। सो इस अद्भुत फेस्टिवल को अपनी आंखों से देखने के लिए निकल चला मैं अपने शहर से, पहुंचा म्यूनिक। और सैटरडे के दिन यूरोप के वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेन स्टेशन से, भीड़ के अलावा आप और क्या एक्सपेक्ट करोगे। Now we are on the way to our destination. यहाँ से एक और ट्रेन लेनी है, तो अराउंड 200 मीटर वॉक करना पड़ेगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि म्यूनिक का ट्रेन स्टेशन काफी बड़ा है, लिटरली काफी बड़ा है, तो कभी कभी ट्रेन पकड़ने के लिए भी आपको काफी चलना पड़ सकता है। सो फाइनली उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें पहुंचना था, और आज के मेरे साथ ही है मिस्टर प्रशीक। से हाय। हाय। सो अभी हम पहुंच गए हैं, बट अभी ढूंढ रहे हैं एग्जैक्टली कहाँ पे वो स्टार्ट होगा। तो आज धूप आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा धूप है, और फोरकास्ट है अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं भाई कैसे इस धूप को झेल पाते हैं, बट सो फार प्रीटी गुड। तो वहाँ सामने मैं हरे कृष्णा की आवाज़ सुन सकता हूँ, और बस वही है हमारी डेस्टिनेशन। लेट्स गो। सो इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई सुबह के 11 बजे इसार टोर प्लाट्स म्यूनिक में। सो इस प्यारे से रथ को सजाने के बाद हमें निकलना था कार्ल्स प्लाट्स की ओर। इस वक्त चारों तरफ हरे कृष्णा की गूंज थी। आई मीन पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आपके कल्चर को बाहर सेलिब्रेट किया जाता है, बाहर अप्रिशिएट किया जाता है। अभी आगे आप और भी अद्भुत दृश्य देखेंगे जिनको मुझे अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य मिला। जो भी ये विदेशी लोग आप देख रहे हैं, ये कृष्णा कॉन्शियस से हैं, इस्कॉन से हैं, जिनको भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा कुछ और रास नहीं आता। Last but not least, the entire Harinama Ruchi group with Harinamananda, Vishnujan Prabhus especially, and friends. They are traveling around the world non-stop. One day they are in Munich, tomorrow they will be in Paris, then they will be in New York, then they are in Melbourne. So they are always constantly... The meaning of Harinam Ruchi, who knows the meaning?
Harinam Ruchi means having taste in the holy name. So they have so much taste in the holy name, in the chanting of Harinam Sankirtan, that they're doing that every day. So there's no day where they don't do Harinam. This is their vrata, their vow. So we're very glad to have them here as well. Hare Krishna. Harinam Ruchi Ki Jai. तो एक और छोटी सी बात, इस रथ यात्रा के जो ऑर्गेनाइजर थे या तो जो पंडित थे, वो कोई भारतीय नहीं बल्कि जर्मन थे या कोई विदेशी थे। Isn't it that amazing? So Shubha Dush, this is a ceremony, Mastudan. So this Shubha Dush is a ceremony to avert any dangers, any accidents. So this technically is not prasad, this coconut. So we'll do now three circles to the right, three circles to the left. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopipakanta Radhakanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suta Devi Pranamami Hare Priye Namo Mahavaranjaya Krishna Prema Pradayate. गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी इस टाइम पे, अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस, बट ये गर्मी भी हमें कृष्ण का नाम लेने से नहीं रोक पा रही थी। So bitte hier vor dem Wagen Platz machen. Make some space in front of the car. We have the Maharani Ki. Yeah! So now a big round of applause and a
आगे है जर्मन पुलिस जो कि मेक श्योर कर रही है कि जो हमारा सेलिब्रेशन है वो अच्छे से हो, और ये पीछे पीछे आप देख सकते हैं हमारा काफिला। जय श्री कृष्ण। सो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं ऑडियन प्लाट्स जो कि इंग्लिशर गार्डन से काफी नजदीक है। यहाँ पे लोगों को खाना भी खिलाना था और कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी होने थे। तो अब वक्त हो चुका था प्रसाद खाने का, जिसमें कि हमें मिला था दाल चावल सब्जी और मैंगो लस्सी, और सामने आप देख सकते हैं रथ और ये मेरा भोजन। Radhe 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 Radhe
बहुत ही प्यारे दिन का आज हुआ एंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नदी जहाँ पे लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक सी मना रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो डेफिनेटली जो अभी आप वीडियो में देखा, आज बहुत प्यारा दिन था। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने कल्चर को इंडिया के बाहर उसको सेलिब्रेट करते हो, और जैसा कि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब है कि ऑल वर्ल्ड इज़ योर फैमिली।
So it's not about religion, it's not about where you're coming from. It just it's about finding peace, finding happiness. So after a long time, बहुत मज़ा आया आज और I'm very happy कि आज हमें ये experience करने का मौका मिला. मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो. आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते वीडियो को. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.